रिक्वेस्ट एंड आई वुड टेल द ऑडियंस दैट दे मस्ट गो एंड एंजॉय द मूवी। दोस्तों, प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष अभी हाल ही में रिलीज हुई है। हालांकि रिलीज से पहले लोग इसे देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि रिलीज के बाद से ही लोग बाग इस फिल्म को लगातार ट्रोल कर रहे हैं और इस फिल्म को बैन करने तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि वजह भी कुछ ऐसी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से हनुमान जी के मुंह से किस तरह से अप शब्दों का प्रयोग किया गया है और रावण के लुक को हकीकत में मजाक बनाया गया है। फिल्म के आने के बाद से लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा है फिल्म का और इस पर हर कोई अपना बयान जारी करता हुआ अपनी बड़ी बात कह रहा है। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर अब संजय दत्त का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय दत्त ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से फिल्म आदि पुरुष आई और उसको लेकर लगातार जब से विरोध चल रहा है, तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं मेकर्स की जरूर गलती हुई है। मेकर्स को इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह की फिल्में बनाएं जिससे कि हर जाति और हर धर्म के लोग उसे मिलजुल कर देख सके, ना कि एक जाति के पक्ष में। और जिस तरह से फिल्म में जो डायलॉग दिए गए हैं, मैं इन्हें देखकर काफी ज्यादा शोक हो गया हूँ। सच में मेरा कहीं ना कहीं इतना ज्यादा खून खोल उठा है कि मैं मेकर्स को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की गलती को जरूर सुधारे, वरना इसका अंजाम उनके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग और रावण को देखकर संजय दत्त का भी खून खोल उठा है। बहरहाल दोस्तों, आप संजय दत्त की इस महानता को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।